हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट नंबर 2 एनडीडीएस का लास्ट चैप्टर और लास्ट लेक्चर। लेक्चर नंबर 10वां है और चैप्टर नंबर 4th है इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। दोस्तों ये बहुत ही आसान टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, क्योंकि इसमें जो भी मैकेनिज्म है वो ऑलरेडी हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में हम आपको स्लाइड के द्वारा पढ़ा के खत्म करेंगे। देखिए इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम मतलब क्या है कि इम्प्लांट का मतलब होता है ऐसी कोई चीज़ जिसे हमारे शरीर के अंदर इंसर्ट कर दी जाए, डाल दी जाए, इम्प्लांट कर दी जाए। तो ऐसी दवाइयाँ क्या होती है, इसमें डोजेस फॉर्म हाईली प्योरीफाइड ड्रग्स होते हैं, हाईली स्पेशलाइज्ड ड्रग होते हैं, जिसको किसी डिवाइस के साथ या किसी खास इक्विपमेंट के साथ या मशीन के साथ या किसी भी मैग्नेट के साथ हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है और वो ड्रग धीरे धीरे हमारी बॉडी में लंबे समय तक रिलीज होती रहती है। दिस इज इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं इंट्रोडक्शन क्या होता है इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो इम्प्लांट्स आर द स्मॉल स्टेराइल सॉलिड मॉसेस कंसिस्टिंग ऑफ हाईली प्यूरिफाइड ड्रग मेड बाय द कंप्रेशन और मोल्डिंग और एक्सट्रूशन। यानी कि कंप्रेशन, मोल्डिंग या एक्सट्रूशन किसी भी एक तरीके से बनाया जाता है ये एक ड्रग को, हाईली स्पेसिफाइड ड्रग को इस मेथड के द्वारा शरीर के अंदर डाला जाता है। दिस इज द इम्प्लांटेबल ड्रग। ठीक है, इम्प्लांट्स आर इंटेंडेड फॉर द इम्प्लांटेशन इन द बॉडी। क्योंकि इम्प्लांटेबल, इसका नाम इम्प्लांट्स क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इम्प्लांट करते हैं इसको। ठीक है, ये हम बेसिकली सबक्यूटेशियस या इंट्रामस्कुलर टिश्यू के अंदर इसको इंसर्ट किया जाता है, थोड़ा सा माइनर सर्जरी के द्वारा या कुछ सीजर के द्वारा, इंसीजन लगाने के द्वारा या लार्ज बोर के नीडल्स के द्वारा। कुछ नीडल्स होते हैं जिससे इंसर्ट कर देते हैं झटके से और हमारी बॉडी के अंदर वो इंसर्ट हो जाता है। तो किसी भी तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो हम नीडल का इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे इंसीजन का इस्तेमाल कर सकते हैं और चाहे ही सर्जरी के द्वारा हम इसको इंसर्ट कर सकते हैं। इम्प्लांट्स आर डेवलप्ड बाई अ व्यू टू प्रोवाइड कंटिन्यूअस रिलीज ऑफ ड्रग इनटू द ब्लड स्ट्रीम और लॉन्ग पीरियड विथ टाइम विदाउट द रिपीटेड इंसर्शन ऑफ इंजेक्शन। यानी बार बार सुई चुभाने, बार बार दवाई खाने के कंपेयर में एक बार सर्जरी करके इम्प्लांट को बॉडी के अंदर डालने पर ये लंबे समय तक हमारी बॉडी में ड्रग रिलीज करता रहता है। जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट है, उसको इंसुलिन लगता है, उसे रोज इंसुलिन का इंजेक्शन सुबह शाम लगाया जाता है, उसको रोज बार बार चुभोते हैं, दर्द होता है, तो एक बार उसकी बॉडी पर हमने इंसुलिन का इम्प्लांट डाल दिया तो महीनों तक उसको कोई दवा देने की जरूरत नहीं है, महीनों तक उसकी बॉडी में इंसुलिन का लेवल मेंटेन रहेगा। ऐसी बहुत सी दवाइयों के साथ हम प्लांट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब हम कुछ डाल लेते हैं, एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या, व्हाट आर द एडवांटेज, कुछ फायदे और नुकसान की बात कर ले। तो पहला फायदा इसका है कि कंट्रोल्ड होता है, यानी कि इसमें जो ड्रग का रिलीज है वो कंट्रोल्ड है, एक सिंपल फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हुए बॉडी में बहुत लंबे समय तक ये ड्रग को डिलीवर करेगा। ठीक है, इंप्रूव पेशेंट कंप्लायंस, पेशेंट जो बार बार दवा खाने से हिचकता है या इंजेक्शन लगवाने से डरता है उसके लिए पेशेंट कंप्लायंस को इंप्रूव करेगा। ड्रग डिलीवरी टारगेटेड होगा, यानी जहाँ पे हमको चाहिए वहीं पे इसका असर डायरेक्ट होगा। बाईपास फर्स्ट में जो, क्योंकि दवा अगर हम टैबलेट या ओरल रूट से नहीं ले रहे हैं तो उस केस में हमारी बॉडी में इसका इस्तेमाल करने से फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की प्रोसेस भी खत्म होती है और ड्रग 100% इसकी बायोअवेलेबिलिटी होती है। डिक्रीज साइड इफेक्ट को हम कम से कम कर सकते हैं, स्टेबिलिटी ड्रग को बढ़ा सकते हैं और बायोअवेलेबिलिटी ड्रग को भी हम बढ़ा सकते हैं। कुछ नुकसान भी हैं, उसको समझ लेते हैं। पहली चीज़ कि भाई दर्द होगा, आपको सर्जरी करके उसको डालना पड़ेगा, थोड़ा सा पेनफुल ज़्यादा हो सकता है। लेकिन थेरेपी कैन नॉट बी सिंपली डिस्कॉन्टिन्यू। अगर आप कोई दवा खा रहे हैं और डॉक्टर ने कहा कि नहीं दवाई अब आपको जरूरत नहीं है खाने की, आप ठीक हो गए हैं, तो आप दवा जब चाहे बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर एक बार इसकी थेरेपी आपने स्टार्ट कर दी, एक बार इम्प्लांट बॉडी के अंदर चला गया, तो उसको निकालना तय समय से पहले बहुत मुश्किल काम है। रिएक्शन बिटवीन होस्ट एंड इम्प्लांट हो सकता है, किसी किसी इंसान के शरीर में वो इम्प्लांट जो डाला गया है वो शरीर होस्ट के शरीर के साथ, यानी इंसान के शरीर के साथ मैच नहीं कर सकता, तो कभी कभी कुछ रिएक्शंस देखने को मिलते हैं। और इनएडिक्वेट रिलीज ऑफ एपीआई, ड्रग का जो एपीआई है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसका रिलीज भी इनएडिक्वेट हो सकता है। दिस इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ इम्प्लांट्स। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन, कैसे इसको डिवाइड किया गया है। तो दोस्तों इसको समझ लीजिए कि क्लासिफिकेशन, इसको समझिए कि अलग अलग बेसिस के आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। जैसे कि अगर हम बात करें रेट या प्रोग्राम के आधार पर, रेट का मतलब होता है किस रेट से ड्रग रिलीज होगा, क्या ऑर्डर होगा, क्या प्रोग्रामिंग हमने उसके अंदर की है, उसके बेसिस पे जो ड्रग का रिलीज है वो कौन कौन से प्रकार, चार प्रकार का है, मेम्ब्रेन परमिएशन, मैट्रिक्स डिफ्यूजन परमिएशन, तीसरा मेम्ब्रेन मैट्रिक्स हाइब्रिड और चौथा है माइक्रो रिजर्वायर पार्टीशन कंट्रोल। दूसरा है एक्टिवेटेड मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसमें क्या है फिजिकल एक्टिवेशन और केमिकल एक्टिवेशन हो गया। और तीसरा है फीडबैक रेगुलेटेड प्रोसेस, ये बायो इरोजन और बायो रिस्पॉन्स। इन तीनों को मैं आपको समझाता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। जैसे मान लीजिए कि किसी भी कमरे के अंदर ढेर सारे आतंकवादी हैं और आप एक सुरक्षाकर्मी, आपको बंदूक दे दी गई है और आपको कमरे में जाके आतंकवादी को मारना है, तो तीन तरीका है। पहला तरीका ये है कि आप सीधा कमरे के अंदर जाइए,
ठीक है, आप सीधा कमरे के अंदर जाइए और ना देखिए कि कौन कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है, कौन कुछ कर रहा है, बस जाते मान घुसते मान बंदूक चलाना धड़ाधड़ 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 शुरू करिए और सबको मारिए। दिस इज द पहला वाला रेट प्रोग्राम। दूसरा है एक्टिवेटेड मॉड्यूलेटेड। इसमें क्या होगा, पहले आप अंदर जाएंगे, अपने बैग से बंदूक निकालेंगे, बंदूक को लोड करेंगे, उसको सेट करेंगे और फिर मारना शुरू करेंगे। दिस इज एक्टिवेटेड। क्लियर है? पहले वाले में डायरेक्ट काम शुरू हो गया, दूसरे वाले में थोड़ा सा टाइम लगा एक्टिवेट होने में। तीसरा फीडबैक रेगुलेटेड, उसे क्या हो रहा है कि ये आप अंदर जाएंगे, बंदूक बंदूक रेडी रखेंगे, जब तक आप उन आतंकवादी से बात कर रहे हैं, जब तक वो लग रहा है कि आपसे डर के बात कर रहे हैं, वो सरेंडर कर रहे हैं, आप गोली नहीं चलाएंगे। लेकिन जैसे ही लगा कि वो कोई उसमें से कोई होशियारी कर रहा है, पीछे से बंदूक निकाल रहा है, चुपके से आपके ऊपर हमला करने वाला है, आप तुरंत गोली उठाएंगे, भड़बड़ शुरू। आपने बहुत से हिंदी मूवीज देखी होगी मेरे दोस्तों। दिस इज रेगुलेटेड फीडबैक, मतलब कि जैसे ही आपको सामने से फीडबैक मिला कि हाँ ये कुछ करने जा रहा है, आप तुरंत अपना गोलाबारी शुरू कर दिए। ये तीन तरीके मैंने आपको समझाया, इन तीनों को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा। चलिए बारी बारी से हम दोस्तों देख लेते हैं। पहले पहली हेडिंग है रेट प्रोग्राम्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें जो डिफ्यूजन, इसमें जो ड्रग का बेसिकली जो रिलीज है वो डिफ्यूजन प्रिंसिपल पे बेस होता है। डिफ्यूजन प्रिंसिपल क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, और उसके रेट को कंट्रोल करने के लिए अलग 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 हम प्रोसेस यूज करते हैं, जैसे कि डिफ्यूजन, मैट्रिक्स, पॉलीमर, ये सब इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें पहला मेथड है पॉलीमर मेम्ब्रेन प्रिमरेशन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी। इसका मतलब इसमें जो हम ड्रग का डिलीवरी कंट्रोल कर रहे हैं, एक पॉलीमर का मेम्ब्रेन बना के कंट्रोल कर रहे हैं, जिसको पहले भी हम पढ़ चुके हैं। एक पॉलीमर की कोटिंग करेंगे, उसके अंदर ड्रग को भर देंगे रिजर्वायर की तरह, और ड्रग रिजर्वायर को जब भरेंगे ऊपर से पॉलीमर मेम्ब्रेन लगाएंगे, तो धीरे धीरे जैसे पॉलीमर मेम्ब्रेन रैप्चर होगी, ड्रग रिलीज होना इम्प्लांट से शुरू हो जाएगा। एग्जांपल क्या है, नॉरप्लांट सेबडर्मल इम्प्लांट है और ऑक्यूसर्ट सिस्टम है। बाकी चीजें जो पहले सब कुछ दिखाया बिल्कुल वैसे आप देख के लिख लीजिएगा। दूसरा है मैट्रिक्स डिफ्यूजन कंट्रोल। अब इसमें क्या है, जो ड्रग है वहां पर पॉलीमर सिंपल कोट था ऊपर, अब यहां मैट्रिक्स यानी ढेर सारे चैंबर्स बने हैं पॉलीमर के। ये ऑलरेडी सब आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ा चुका हूं, सेम चीज रिपीट हो रही है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे स्लाइड से बता रहा हूँ। आपका कॉन्सेप्ट अगर आपने यूनिट 1 पढ़ा है अच्छे से, तो आपका कॉन्सेप्ट पक्का ही यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पॉलीमर के चैम्बर्स होते हैं, मैट्रिक्स होते हैं, और धीरे धीरे एक एक चैम्बर एक एक मैट्रिक्स रिलीज होता है पॉलीमर, और ड्रग वहाँ से निकलना शुरू होता है। एग्जाम्पल इसका है नाइट्रोडर TDDS, ठीक है, ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अगला है मैट्रिक्स हाइब्रिड टाइप ड्रग। इसमें क्या है, मैट्रिक्स भी है, डिफ्यूजन भी है, पॉलीमर यानी ऊपर पॉलीमर का कोटिंग भी है रिजर्वायर की तरह, और अंदर जो ड्रग है वो मैट्रिक्स के अंदर, यानी दोनों का जो कॉम्बिनेशन हो जाता है उसको मैट्रिक्स हाइब्रिड ड्रग डिलीवरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल सारा कुछ समझा दिया, यहाँ पे कॉपी देख के लिख लीजिएगा। एग्जाम्पल है नॉरप्लांट सेकेंड सबडर्मल सिस्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं नंबर बी एक्टिवेशन मॉड्यूलेशन डिटेल, यानी यहाँ पे मैंने क्या बताया था, आप अंदर जाएंगे तो पहले आपको समय लगेगा, आप बंदूक लोड करेंगे, बंदूक सेट करेंगे, बैग से निकालेंगे। तो एक्टिवेशन में क्या होता है, जब इम्प्लांट्स हमारी बॉडी में जाता है तो वो पहले वो इम्प्लांट हमारी बॉडी के अंदर कोई केमिकल या फिजिकल रिएक्शन करता है, कोई फिजियोलॉजिकल या केमिकल रिएक्शन करता है, उस केमिकल रिएक्शन के बाद वो एक्टिवेट होता है और फिर ड्रग को रिलीज करना शुरू करता है। दिस इज कॉल्ड एक्टिवेशन मॉड्यूलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है, अगला इसमें पहली हेडिंग है, पहला टाइप है हाइड्रेशन एक्टिवेटेड, यानी इसमें किससे एक्टिवेट होगा, पानी से। जब वो किससे एक्टिवेट हो रहा है, पानी से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रेशन एक्टिवेटेड डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसे ही ड्रग हमारी बॉडी के अंदर दोस्तों जाएगा, सबसे पहले हमारी बॉडी में जब इम्प्लांट करेंगे तो वो हमारे वहां से म्यूकस से वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, हमारे वहां पे जो भी वाटर है वहां पे ब्लड स्ट्रीम में वहां पे एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करके स्वेल करेगा, जब स्वेल करेगा तो फूलेगा, जब फूलेगा तो मेम्ब्रेन रैप्चर होगा और धीरे धीरे ड्रग वहां से निकलना शुरू हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है नॉर एजेस्ट्रोमेट रिलीजिंग हाइड्रोन इम्प्लांट। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा पूरी ख्याल से। चलिए बात करते हैं दूसरा एक्टिवेशन में, ऑस्मोटिक प्रेशर एक्टिविटी, यानी अब यहाँ पे जो कंट्रोल किससे हो रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर से। वहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहा था, वहाँ पे कंट्रोल कर रहा था दोस्तों आपका हाइड्रेशन, पानी। अब यहाँ पे क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी यहाँ पे आप देखिए एक डिवाइस हमेशा डालेंगे जिसमें रिजर्वायर है, सेमी SPM है, ऑस्मोटिक लेयर है, एजेंट से जो हमारी बॉडी के अंदर जाके ऑस्मोटिक प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। जैसे ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ेगा, ड्रग ऑटोमेटिक मेम्ब्रेन रैप्चर होकर और ड्रग रिलीज होना शुरू हो जाएगा। इसमें देखो, इन दिस सिस्टम द ड्रग इज सोल्यूशन इज रिलीज थ्रू अ स्पेशलाइज्ड लेजर डिलीवरी ड्रग ऑरिफिस एट कॉन्स्टेंट रेट आफ्टर अ कंट्रोल, यानी इस पर क्या होता है, एक छोटा सा छेद होता है जिसको ऑरिफिस कहते हैं, उसी से ड्रग धीरे धीरे रिलीज होना शुरू होता है। ठीक है, इसमें एक्सटर्नल कंपोनेंट, इंटरनल कंपोनेंट, एग्जाम्पल है
एल जेड ऑस्मोटिक पंप, ठीक है। बाकी यहाँ से बिल्कुल लिख लीजिएगा, बहुत ही सिंपल नोट्स है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। आगे हम बात करते हैं, तीसरा इसका है वेपर प्रेशर एक्टिवेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी यहाँ पे अब की बार जो ड्रग एक्टिवेट हो रहा है किस केमिकल रिएक्शन के द्वारा, वेपर प्रेशर के द्वारा। तो इन दिस सिस्टम द ड्रग रिजर्वायर सोल्यूशन फॉर्मुलेशन इज कंटेन इनसाइड इन्फ्यूसेट चैम्बर, यानी कि एक इन्फ्यूसेट चैम्बर होता है जिसमें ड्रग भरा होता है, ठीक है। और जैसे ही जो होता है ड्रग वहाँ से फिजिकली सेपरेट होता है तो वहाँ पे वेपर प्रेशर उसका बढ़ने लगता है चैम्बर का, ठीक है। और जब वेपर चैम्बर बढ़ता है तो धीरे 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 टेम्परेचर बढ़ता है वेपर ड्रग बॉडी में जाके, जिससे बॉडी टेम्परेचर पहुँचा 37 डिग्री सेल्सियस तो वेपर प्रेशर बढ़ने लगता है और ये चैम्बर धीरे धीरे रैप्चर होने लगता है, जिससे होगा ड्रग बाहर निकलेगा। एग्जाम्पल है इन्फ्यूसेट, इम्प्लांटेबल, इन्फ्यूजन पंप, कंटेंस, ये सब सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। अब हम अगला बात करते हैं एक्टिवेशन मॉड्यूलेटेड डीडीएसएस का, इसमें हमारा चौथा पॉइंट है हाइड्रोलिसिस एक्टिवेटेड ड्रग रिलीज सिस्टम। इसमें क्या हाइड्रोसिस जो पानी से ब्रेक डाउन होना, हाइड्रोसिस मतलब होता है किसी भी चीज़ का पानी से ब्रेक डाउन। तो इसमें जो पॉलीमर इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये बेसिकली बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर होते हैं, ऐसे पॉलीमर जो पानी में जाके घुल जाए। तो ऐसे ड्रग को हम पॉलीमर के साथ कोट करते हैं, पॉलीमर कैसा होना चाहिए, बायोडिग्रेडेबल। और जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, वाटर में हाइड्रोलिसिस रिएक्शन होगा, पॉलीमर ब्रेक डाउन होगा, पॉलीमर रिलीज होगा और ड्रग फ्री होके वहां से निकलना, उस माइक्रोपोर के द्वारा ड्रग रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। एग्जांपल क्या है, लुप्रॉन, ठीक है। सारे एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जांपल जरूर याद करिएगा क्योंकि सब एग्जांपल जितने भी आपके जीपैड वगैरह में पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं फीडबैक रेगुलेटेड प्रोसेस, बताया था क्या कि जैसे ही आप अंदर गए, आपने आतंकवादियों को कहा सरेंडर कर दो, होशियार, कोई बदमाशी नहीं करेगा, कोई भागेगा नहीं, चलो सरेंडर कर दो, लेकिन उसमें से लगा कि कोई सामने से बदमाशी कर रहा, कोई भी बंदूक निकाल के हमला करने वाला है, तो आपने गोलीबारी शुरू कर दी। यानी सबसे पहले ही अंदर जाएगा, वहाँ पे कुछ अगर कोई ऐसा रिएक्शन या कोई बॉडी से फीडबैक जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये ड्रग रिलीज करना शुरू नहीं करेगा। जैसे ही बॉडी से फीडबैक मिलेगा ये ड्रग रिलीज शुरू कर देगा। सो पहला है बायो एरोजन रेगुलेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, इसको समझते क्या है। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ड्रग डिस्पर्स इनटू अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर मैट्रिक्स लाइक प्रोपाइल, विनाइल, मिथाइल, ईथर, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए आपका ये ड्रग है, इस ड्रग के ऊपर चारों तरफ हमने क्या किया, ईथर जो यूरिया का हमने कोटिंग किया। अब ये जैसे ही बॉडी के अंदर जाएगा तो ये हमारी बॉडी में जो अमोनिया होता है उस पीएच पे रिएक्शन करेगा, रिएक्शन करने के बाद जब हमारी बॉडी में हाइड्रोकॉर्टिसिन रिलीज होगा, एरोजन रिलीज होगा, तो ऑटोमेटिक पॉलीमर यानी हमारी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उस रिएक्शन के कारण ये एक्टिवेट हो रहा है। और रिएक्टिवेट कौन से रिएक्शन, जो हाइड्रोकॉर्टिसोन जो हमारी बॉडी में निकलता है तो क्या होता है, वहाँ से इरोजन होता है पॉलीमर का और फिर ये ड्रग रिलीज होके रेगुलेट होके ड्रग डिलीवरी सिस्टम शुरू करेगा। इसी तरह से बायो रिस्पॉन्सिव डिलीवरी सिस्टम इसी का है, द ड्रग रिजर्वायर इज कंटेन्ड इन द डिवाइस इनक्लोज्ड बाय अ बायो रिस्पॉन्सिव पॉलीमर मेम्ब्रेन। इसमें इस बार जो मेम्ब्रेन हमने कहा है ना बायो रिस्पॉन्सिव, ऐसा पॉलीमर बनाया है जो बॉडी के अंदर जाके किसी बायो रिस्पॉन्स के द्वारा एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो कंट्रोल्ड बाय कंसंट्रेशन ऑफ सम बायोकेमिकल एजेंट, बॉडी के अंदर जो केमिकल एजेंट है उसके द्वारा एक्टिवेट होता है। जैसे एग्जांपल क्या है, ग्लूकोज ट्रिगर्ड इंसुलिन, जो इंसुलिन है जैसे हमारी बॉडी के अंदर जाएगा, जैसे उसको ग्लूकोज मिलेगा वैसे इंसुलिन निकलना, ऐसा नहीं कि हमारे इम्प्लांट डाला तो इंसुलिन निकलना शुरू, नहीं, इंसुलिन सिर्फ तब निकलेगा जब बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा। तो ये ग्लूकोज उसके लिए फीडबैक है, समझ आ गया। ये डिलीवरी, ये बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल था दोस्तों। ये हम लोगों ने यूनिट नंबर 2 पूरी तरह से खत्म कर लिया है इस लेक्चर नंबर 10 के साथ। अब हम यूनिट नंबर 3 शुरू करेंगे NDDS का नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहिए, लिखते रहिए, मस्त रहिए, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। जय हिंद।